देखिए ऐसा कहा जाता है जिस रिश्ते में झगड़ा नहीं होता, डिसएग्रीमेंट नहीं होती, वो रिश्ता कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। हे गाइस, दिस इज मी यशी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई और मैं बात कर रही हूं बिग बॉस सीजन 14 की पॉपुलर जोड़ी के बारे में जो की है रुभिनव। पर उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड शो सम लव। मेरा नाम यशी है, मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर, drama.diva के नाम से हूं मैं वहां पर। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रुबिना और अभिनव के बीच में अब किस बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो रहा है। यहां पर अभिनव जो है वो रुबिना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्हें छोटी छोटी बातों को साइडलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वीकेंड के वार के बाद में घर वाले उनके ऊपर और भी ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं एंड स्पेशली अर्शी। इसी के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए रुबिना ये कहती हैं कि कभी कभी इमोशनल सपोर्ट होना उनकी साइड से ज्यादा कंपल्सरी है रादर देन उनको समझाने के। यहां पर बातों बातों में उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया है और ये कहा कि जब कविता की बात हुई थी, जब वो वीकेंड के वार में क्लियर करने के लिए आई थी, जब आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, तब शी स्टूड बाय हिम। वैसे तो एक एग्जाम्पल को कोट किया था यहाँ पर रुबिना ने, पर कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा सा बेतुका लगा कि अभी इस बात का तुक नहीं बनता था, पर फिर भी मियां बीबी के बीच में इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और एग्जाम्पल यहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही थी रुबिना, जो कि काफ़ी हद तक शायद अभिनव को पसंद नहीं आया। और घर के बाहर बिग बॉस सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी काम्या पंजाबी को भी समझ नहीं आया। इनफैक्ट उन्होंने ट्वीट किया है कि जब इतने टाइम तक रुबिना तुम रुकी हुई थी तो नेशनल टेलीविजन पर फिर से इस गड़े मुर्दे को नहीं उखाड़ना चाहिए था, और जब अभिनव तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तब तुम उन्हें बात ही नहीं करने देती हो। वेल, कहीं ना कहीं काम्या पंजाबी का ये ट्वीट जो है उससे मैं भी थोड़ी सी सहमति रखती हूं, क्योंकि यू नो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, पर मियां बीबी के बीच में एक अलग तरीके से एंगल को देखा जाए तो रुबिना ने यहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल को पोर्ट्रे किया था, उनका अभिनव को हर्ट करने का बिल्कुल भी मंतव्य नहीं था। आपको क्या लगता है जरा बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। देखते जाइए बॉलीवुड स्पाई, मेरा नाम है यशी।